प्रथम तहलका न्यूज। पलवल जिले में पिछले लंबे समय से लोगों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। 6 महीनों से लोग परेशान हैं, जिसके चलते लोगों में समाज कल्याण विभाग के प्रति रोष है। लोगों का कहना है कि उन्होंने शादी के समय इधर उधर से कर्ज पर पैसा लेकर लड़कियों की शादी तो कर दी, लेकिन विभाग से पैसा न मिलने के चलते वे अब कर्ज के तले दब गए हैं और विभागीय अधिकारियों से बार बार गुजारिश करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पलवल जिले के भिड़ूकी निवासी वासुदेव ने बताया कि उन्होंने फरवरी महीने में अपनी 2 बहनों की शादी के बाद मुख्यमंत्री शगुन राशि लेने के लिए वर्ष 2020 में फॉर्म भरा था, लेकिन करीब 6 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन्हें शगुन योजना की राशि नहीं मिली। उन्होंने अपने बहनों की शादी कर्ज पर पैसा लेकर की थी और अब जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वे उनसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन बार बार चक्कर काटने के बाद भी उन्हें विभाग से कोई राशि नहीं मिल रही है। वहीं होटल निवासी सुभाष ने बताया कि गत 29 जून को उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। जब भी वो कार्यालय आते हैं उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर भेज दिया जाता है। नमस्कार जी, मैं बिडूकी गांव से हूं और 2 सिस्टर की शादी हुई थी 21 फरवरी को। मैंने फार्म भरा था जी असमपुरा यहाँ पलवल आके, उसमें शादी के कुछ पैसे मिलते हैं क्या 1000 रुपये मुख्यमंत्री योजना के। सर 5-6 महीने हो गए उसको तो, और सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है और खूब मदद कर रही है। बार बार क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं जी हमने तो अपना काम कर दिया, पर ऊपर से सरकार ने नहीं डाले पैसे और हम जी रोज परेशान हो रहे हैं। हम पे किसी का ब्याज चल रहा, हमने शादी में जो पैसा लिया था वो हमारे घर पे चक्कर काट रहे, उनके पैसे दे रहे हमको। मेरी कई दिन 17 हो गए। कब हुई थी शादी? 29 जून को। हाँ, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही पैसा वैसा नहीं था, गरीब आदमी थे हम, हमने ले दे के किसी पे लिया था और अभी उनको चुकाना है। दफ्तर वाले क्या कहते हैं? दफ्तर वाले ऐसे ही कभी जाओ कभी इधर आ जाओ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ होता नहीं काम। वहीं जब इस बारे में जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पलवल जिले के 813 आवेदनकर्ताओं का 2,88,00,000 रुपया पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि रुका हुआ पैसा FD से पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है और कभी भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये जी लगभग 813 के लगभग हैं एप्लीकेंट जिनके पैसे हमें देने हैं अभी, और ये अप्रैल 2020 के बाद के केसेस। क्या दिक्कत आ रही है इसमें ना, इनके जो बिल हैं ट्रेजरी बिल वो FD में अप्रूवल के लिए पेंडिंग। क्या प्रयास चल रहा है? प्रयास तो डिपार्टमेंट भेज रहा है जी अपनी जो पेंडेंसी है उनसे डिपार्टमेंट अवगत करवा रहा है FD को और इनको अप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लगभग कितना पैसा होगा जो रोका हुआ है? ये जी हमारे डिस्ट्रिक्ट का है 2,88,00,000। कब तक उम्मीद है ये मिल जाएगा? क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं जिनका पैसा कम। देखो जी इसके बारे में नहीं कह सकते, ये कभी भी हो सकता है अप्रूव, ये आज भी हो सकता है, कुछ दिन लेट भी हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से लेकर 51,000 रुपए की धनराशि शगुन के तौर पर दी जाती है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। अब देखना ये होगा कि लोगों की इन समस्याओं का निवारण कब तक किया जाता है। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी कारोबार वशीकरण प्रेम विवाह तलाक दुश्मन से छुटकारा घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान
मोबाइल नंबर 9878678629।